भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ स्थित डीपीएस स्कूल के पीछे गंगा नदी में स्नान के दौरान एक छात्र डूब गया, जिसके बाद छात्र को खोजने के लिए गंगा नदी के तट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डूबे हुए छात्र की पहचान रंजनदीपुर के विपिन हरिजन के 14 वर्षीय पुत्र बासुकी के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बासुकी अपने दो दोस्तों के साथ स्नान करने बाबूपुर मोड़ स्थित गंगा नदी पहुंचा और इसी दौरान वह गंगा नदी की तेज धार में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को निकालने का प्रयास कर रही है। वहीं छात्र के डूबने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।